तो थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जब मैं मतलब शॉर्ट फिल्म वगैरह बना था दार्जिलिंग में, तो वहाँ पर लड़कियों का थोड़ा बहुत साड़ी बांधने का एक्सपीरियंस मैंने देखा था, तो बस अभी ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन सबसे अच्छी धोती देखना मैं ही बांधूंगा। तो गाइस भाई मैंने तो बांध लिया भाई हाफपैंट के ऊपर ही, तो अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, नीचे से जो आवाज आ रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है यार। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, अनुष्का गोपे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जो आज का सफ़र होने वाला है वो होने वाला है हमारा केरला का, केरला के अंदर त्रिवेंद्रम यानी त्रिवेंद्रनाथ आज नाम की जगह है, वहाँ पर है वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल जो है पद्मावत स्वामी, तो वहीं पर विजिट करने वाले हैं। जो टेम्पल है वो श्री विष्णु जी का टेम्पल है, जो से स्नाक में लेटे हुए हैं और उनका दोनों हाथ मतलब जो अंदर का स्ट्रक्चर है दोनों हाथ सोने का है, अंदर पूरा गर्भ पूरा सोने से मतलब बना हुआ है, बाकी फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। बाकी ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सफ़र स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, रात को हम चामराजनगर में थे। चामराजनगर में इसका मोबाइल लेने के बाद हम गुंडलपेट की तरफ बढ़े, जहाँ से हमें केरला ऊटी होते हुए केरला निकालना था। तो गुंडलपेट के लिए थोड़ा कम से कम 10 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद रात को 11 या मतलब सॉरी 12 के करीब हो गए थे, तो ट्रक वालों ने हमें लिफ्ट दे ही दिया था। बाकी रात को कोई जगह मिली नहीं हमें, तो यहीं पर टेंट लगाया था हाईवे के सामने। बाकी चलिए अब थोड़ा टेंट वगैरह पैक करके आगे का सफ़र तय करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 10 किलोमीटर तक का लिफ्ट मिल चुका है हमें, अन्ना ने दे दिया है 10 किलोमीटर का लिफ्ट। बाकी आप देखते हैं आगे के सफ़र में कोई ना कोई और लिफ्ट दे ही देंगे, बने रहो। तो दोस्तों यहीं पर थोड़ी देर के लिए अन्ना ने रोका है, लंच भी मतलब लंच टाइमिंग भी हो गया है, तो सही टाइमिंग पे यहाँ पर रुका है, तो आ रहे वो भी है ना। बाकी अन्ना ने दिया है हमको लिफ्ट, अब देखते हैं खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद अब पता नहीं यार उनको भी कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, लेकिन हमें जो मैप में दिखा रहा था वो ऊटी होते हुए रास्ता जा रहा था, लेकिन अन्ना जा रहे हैं केरला की तरफ, तो अब देखते हैं कि अगर वो उन्होंने लिफ्ट दिया तो बेस्ट रहेगा, अगर नहीं दिया तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बने रहो आप हमारे साथ। फाइनली दोस्तों लंच करने के बाद हम निकल पड़ते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, साथ साथ अभिजीत भी। बाकी सफ़र में चलते चलते टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमें बहुत सारे हिरण के झुंड दिखते, बहुत सारे जो आप सामने देख रहे हो, तो मैंने आज तक लाइफ में पहली बार इतने सारे हिरण के झुंड दिखे, और साथ साथ हमें हाथी भी दिखता है और बहुत सारी चीज़ें दिखते, बहुत सारे जंगली जानवर। तो गाइस हम कर्नाटका टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से निकलने के बाद तमिलनाडु टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट मतलब बॉर्डर फॉरेस्ट बॉर्डर से कटा हुआ है ना, हम बीच में बॉर्डर पड़ता है फॉरेस्ट के बीच में, तो तमिलनाडु घुसे हम बॉर्डर से, तो वहाँ से भी फॉरेस्ट ही स्टार्ट होता है, वो भी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट ही है। उसके बाद तमिलनाडु फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद अभी गाड़ी रुकी हुई है, थोड़ा गाड़ी की मरम्मत होगी, पता नहीं शायद आई थिंक बीच वाला जो टायर है जो डबल टायर रहते हैं इनके ट्रकों के, तो आई थिंक वो उसमें थोड़ा काम करना है कह रहे भैया, तो कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे, तब तक इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर इस तरीके का कुछ नज़ारा है, बॉर्डर के बाद का विलेज का है ये, तो अभी देखो थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। बाकी भैया ने काफ़ी अच्छी जगह खाना खिलाया, पराठा खाया और सब्जी थी काफ़ी अच्छी मतलब सस्ती थी हमारे बजट के अंदर। बाकी होप आप लोग ब्लॉग वगैरह मेरे इंजॉय कर रहे होंगे। बाकी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो देखते देखते, बाकी नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दो, बाकी सफ़र इंजॉय करते रहो। तो दोस्तों यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए हम, ये काफ़ी प्यारे आई थिंक ये हैंडमेड कह रहे हैं, चिड़िया का घोंसला है तो चिड़िया का घोंसला ही, लेकिन घर में सजाने के लिए मतलब अगर टांग दो तो चिड़िया आके इस पर बैठेगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ना, बहुत ही
प्यारा लग रहा है। हाथ से बनाया है ना ये, हाथ से बनाया है ना, तो काफी अच्छा है ये। बाकी चाय पीते हैं, यहीं पर चाय पियेंगे हम। तो दोस्तों अभी शाम का सीन ये है, शाम हो चुकी है तो ट्रक तो रेडी हो चुका है। तो इन लोगों का मतलब ट्रकों का ग्रुप ही रहता है, तो वेट कर रहे अभी। ये गुंडुलू नाम की जगह है, वहीं पर कह रहे कि बस मिलेगी करके, बस से जाना करके। बाकी ये लोग तो छोड़ नहीं रहे। बाकी ये देखो इतना प्यारा सीन नज़र आ रहा ना, वाह, ऑरेंज हो रखा पूरा। बाकी ये है जिस ट्रक में हम जा रहे। चलो फिर गुंडुलू जाके मिलते हैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों ट्रेन में बैठ चुके हैं त्रिवेणीपुरम के लिए। तो हमने वहीं से बाहर से पैक करवाया था खाना, तो चावल की मोटाई देख के हमारी आँखें फटी की फटी रह गई थी। आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई इतने मोटे चावल भाई यहाँ के लोग खाते हैं, भाई मैं लाइफ में पहली बार देख रहा इतना मोटा चावल। चलो पहले खा लेते, फिर भी भूख तो लगी है। तो दोस्तों हम रेलवे स्टेशन में तो उतर गए हैं अब यहाँ से, क्योंकि रात हो गई थी, फोन में चार्ज नहीं था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो अब यहाँ से सीधे हम वर्ल्ड रिचेस्ट टेंपल यानी श्री विष्णु जी का टेंपल है, पद्मभूषण स्वामी। तो हम वहीं पर जा रहे हैं, वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम सीधे कन्याकुमारी निकलेंगे। तो वो टेंपल यहीं पर ही है, तो और वहाँ पर अब दो तीन रूल्स है, वहीं जाके बताऊँगा। तो बाकी अभी फ़िलहाल हम ये त्रिवेंद्रम में हैं, तो यहीं पर है श्री पद्मभूषण स्वामी। तो अभी हम वहीं पर दर्शन करेंगे, धोती वगैरह लेना होगा वहाँ पर। तो बाकी वहीं पर लेके धोती वगैरह, क्योंकि क्या लोग कह रहे थे कि रेंट पे भी ले सकते हो आप धोती वगैरह, लेकिन हमें परमानेंटली लेना है, क्योंकि साउथ में मैक्सिमम मंदिरों पर सिर्फ धोती से ही एंट्री होगी, बाकी और कुछ भी नहीं ले जा सकते। अभी देखते क्या होता है, कहाँ पर खरीदते, थोड़ा चाय वगैरह भी पीते, नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया है, तो चाय पानी वगैरह आप पीते हैं, बाकी निकलते। पूरी सोन ना कच्ची के रेट हो। तो दोस्तों यहीं पर सामने टेंपल है, तो यहाँ पर एक पंजाबी ढाबा है, बहुत मुश्किलों से मिला हमें, क्योंकि जो साउथ इंडियन डिश है वो रास नहीं आ रही थी बॉडी को, तो जो नॉर्थ इंडियन डिश है तो यहीं पर हमें दिखाया एक पंजाबी ढाबा। बाकी यहीं पर खाते, उसके बाद फिर टेंपल के दर्शन करके फिर उसके बाद हमें निकलना कन्याकुमारी। पहले देखते हैं क्या रेट वगैरह है, तभी देखेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों जो अभी मैंने पंजाबी ढाबा दिखाया था, एक पराठा का 50 रुपये ले रहा था, और इतना छोटा सा पराठा था, तो वो हमारे बजट से बाहर है। बाकी अभी देखते हैं आगे। तो ये है अभी कुछ इस तरीके का नज़ारा है दोस्तों। तो बाकी चल रहे हैं हम भी, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा शायद। हाँ यहाँ से एंट्रेंस है, तो बाकी मंदिर के बाहर का जो नज़ारे वो इस तरीके का है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भी ट्रैफिक वगैरह है, बाकी अंदर यही होगा शायद, देखते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर के एंट्रेंस में पहुँच चुके हैं टेम्पल के, जो बैक बाकी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है श्री पद्मावा स्वामी टेम्पल, जिसमें श्री विष्णु जी शेष नाग में लेटे हुए हैं। अभी 12 बजे द्वार बंद हो जाता है, तो शाम को 5 बजे खुलेगा। तो बाकी यहाँ का मार्केट का नज़ारा इस तरीके का है। तो अभी हम इस तरीके के क्लोथ पे एंट्री नहीं ले सकते, तो यहाँ पर धोती लेना कंपलसरी है, धोती में ही अंदर जाना है, बाकी आप कोई सा भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं ले जा सकते। बाकी आपके पास सिर्फ पर्स, आई थिंक सिर्फ पर्स अलाउ है, और बाकी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। बाकी देखते हैं अभी धोती वगैरह लेते हैं। तो दोस्तों धोती ला चुके हम, 1 पर्सन का मतलब एक धोती 172 रुपीज़ का पड़ा है, तो ये है। तो अब धोती पहनेंगे हम यहीं पर, धोती पहनने के बाद अभी शाम को 5 बजे तक वेट करना है, फिर उसके बाद हमने सीधे निकल जाना कन्याकुमारी। तो यहीं पर लगेज रूम वगैरह भी है, यहीं पर मतलब जमा होता है, तो यहीं पर बाकी का बैग वगैरह तो हम अंदर ही देंगे, बड़े बैग, बाकी छोटे बैग का देखते क्या होता है। बाकी लोग वगैरह
यहीं पर ही धोती वगैरह बदल रहे हैं। तो ये है और थोड़ा सा अंदर घुसने के बाद के नज़ारे, तो ये मेन मंदिर है। बाकी ये भी काफ़ी पुराना दिख रहा है, पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है ये। हाँ, और यहाँ पर छोटा सा लेक भी है, तो वो लेक भी देख लो आप, छोटा सा पॉन्ड है। तो यहाँ पर पूछा था आगे कि मतलब अंदर पॉन्ड में हम नहा सकते करके, तो मना कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, आई थिंक पहले यहाँ पर लोग वगैरह जाते होंगे, गंदा कर दिया, उसके बाद से मना हुआ है यहाँ पर। तो अभी धोती वगैरह पहनते हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जब मैं मतलब शॉर्ट फिल्म वगैरह बना था दार्जिलिंग में, तो वहाँ पर लड़कियों का थोड़ा बहुत साड़ी बांधने का एक्सपीरियंस मैंने देखा था, तो बस अभी ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन सबसे अच्छी धोती देखना मैं ही बांधूंगा। सो गाइस, अभी मैंने तो बांध लिया भाई हाफ पैंट के ऊपर ही, तो अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, नीचे से जो आवाज आ रहा है बहुत अच्छा फील आ रहा है यार। तो फाइनली दोस्तों हमारा धोती रेडी हो चुका है, पैन भी लिया है, ये देखो तो दोनों ने लगा लिया है। तो अभी मंदिर क्लोज है, मंदिर खुलेगा 5 बजे के करीब। तो क्लॉक रूम में भी हमारा बड़ा बड़ा लगेज होने की वजह से वहाँ पर रखा नहीं, तो अभी सुबह से कुछ खाया तो है नहीं, तो खाने के बाद कुछ नाश्ता पानी अभी देख के एक बंदा जाएगा, चाय वगैरह लेके आएंगे, उसके बाद यहीं पर करेंगे, फिर उसके बाद दर्शन करके सीधे कन्याकुमारी निकलना है हम लोगों को। बाकी देखते हैं अभी टाइम कितना लगता है। बाकी जो हमारा लुक है, हम पूरे साउथ इंडियन लुक में पहुंच चुके हैं, तो देखो अभी फोटो वगैरह भी क्लिक करना है। तो फाइनली दोस्तों दर्शन हो चुका है हमारा, अब निकल रहे हैं हम कन्याकुमारी की तरफ। वो भारत का मतलब सबसे नीचे आखिरी छोड़ है, वहाँ पर करने के बाद फिर हमें सिर्फ ऊपर की तरफ निकालना है। तो चलिए, तो फाइनली दोस्तों ये हमें चार्जिंग पॉइंट मिला, तो सबके सब चार्जिंग पॉइंट हमने ही चार्ज कर रखा है देखो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। इसके बाद फिर पावर बैंक भी चार्ज करना है हमको, तो अभी देखते फ़ोन वगैरह पहले फुल चार्ज होता है, उसके बाद पावर बैंक वगैरह चार्ज करके उसके बाद खाना खाने जाएंगे। अब पता नहीं दुकान वगैरह खुलेगा नहीं खुलेगा, पहले ये खाना खाने जाएगा, फिर उसके बाद में मतलब बारी बारी इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखते कितना टाइम लगेगा फ़ोन चार्ज होने में, तब तक हम यही बस स्टेशन में हैं। तो आया हो दोस्तों, आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, धोती वगैरह भी पहन लिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी मतलब बहुत बड़ा हॉल वगैरह था, तो बहुत सारी चीज़ें थी है ना, तो होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और बाकी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, बाकी शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और कौन सी पार्ट आपको सबसे अच्छी लगी। बाकी अभी के लिए यहीं पर ब्लॉग एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।